हेलो बच्चों, लेट सी टूडेज क्वेश्चन द क्वेश्चन सेस फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप माइनस जे कैप एंड जे कैप माइनस के कैप तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट चाहिए जैसे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम इसका यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं कैसे जो मेरा वेक्टर है ए कैप उसको वेक्टर ए को मैं लिख सकती हूँ आई कैप माइनस जे कैप प्लस जीरो के कैप और जो मेरा वेक्टर बी है उसको मैं लिख सकती हूँ जीरो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप जो हमारा वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर इंटू कॉस थीटा ये हमारा जो थीटा होता है दैट इज बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड हमारा कैसे निकालते हैं वो निकालते हैं अगर हमारा पास कोई वेक्टर ए दिया हुआ है तो चेस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस सेट के तो मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकती हूँ एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट तो उसी फॉर्मूला यूज़ करके आई कैन राइट जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है दैट इज वन होल स्क्वायर प्लस माइनस वन होल स्क्वायर प्लस जीरो का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट टू जो हमारे बी वेक्टर का इज़ जीरो स्क्वायर प्लस वन माइनस वन स्क्वायर पूरे का अंडर रूट विच इज अंडर रूट टू आगे बढ़ते हैं तो जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो एक बार मैं इसको पूरा लिख लेती हूँ विच इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस जीरो k कैप इन टू जीरो आई कैप माइनस प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इंटू कॉस थीटा तो जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल दें वो कैसे निकालते हैं जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स है से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के तो इसका डॉट प्रोडक्ट है वो होगा ए एक्स प्लस वी वाई प्लस जेड सी यही फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करते हैं तो मैं लिख सकती हूँ वन इंटू जीरो प्लस माइनस वन इंटू वन प्लस ज़ीरो इंटू माइनस वन इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू टू कोस थीटा एंड आई कैन राइट माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू कॉस थीटा तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो हमारा थीटा है दैट विल बी इक्वल टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री दैट इज ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा कॉस वन ट्वेंटी है दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है दैट इज थीटा इज इक्वल टू तो वन डिग्री होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑल द बेस्ट